अंजनी, देखिए कांग्रेस के लिए आज का दिन बेहद अहम, कि 24 सालों बाद ऐसा मौका आया है जब इस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष गैर गांधी कोई होगा, और जो मुकाबला मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच है, तो अब थोड़ी देर का वक्त और इसके बाद फिर वोटों की गिनती शुरू होगी और एक नई जो किंग है कांग्रेस का, नया किंग कौन होगा, ये बहुत जल्द अब तस्वीर साफ होने वाली है आज। हाँ देखिए, आज का दिन जिस तरह से आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी के लिए एक ऐतिहासिक दिन होगा, क्योंकि जिस तरह से पूरे भारत में वोटिंग के जरिए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन होने की प्रक्रिया हुई, ये एक मैसेज भी पूरे पॉलिटिकल पार्टी को गया है। जिस तरह से रांची में भी वोटिंग हुई, तो अलग अलग राज्यों में वोटिंग हुई और लोगों ने अपना मत का प्रयोग किया और राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन के लिए वोटिंग की, ये लोकतांत्रिक तरीके के लिए हम कह सकते हैं एक बेहद अच्छा तरीका रहा चुनाव का। अब है कि कौन जीतेगा, कौन नया राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा कांग्रेस पार्टी का, एक हम कह सकते हैं कि संशय, एक सस्पेंस जरूर बरकरार है, क्योंकि मतों की गिनती जो है थोड़ी देर के बाद जब शुरू होगी तो धीरे धीरे करके रुझान आएंगे। लेकिन जो आंकड़े बता रहे हैं, जो सूत्र बताते हैं कि दो उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जिसमें मल्लिकार्जुन जो है वो आगे, मतलब वो रेस में सबसे आगे हैं, लेकिन वोट जो है बैलेट बॉक्स के माध्यम से वोटिंग हुई, मतपत्रों के माध्यम से वोटिंग हुई, तो किस्मत जो है वो बैलेट बॉक्स में बंद है। कौन किसको वोट दिया है ये तो बता पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि तमाम लोगों की जो उम्मीदें हैं, कि जो अनुभव है जिनके पास, एक लंबा अनुभव है और कांग्रेस के साथ कांग्रेस की जो कार्यशैली है उसको काफ़ी नज़दीक से देखा है, तो ये उम्मीद की जा रही है, ये चर्चा का विषय भी है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो चुनाव जीत सकते हैं। फिर भी थोड़ी प्रतीक्षा करनी होगी। और झारखंड में 319 वोटर थे, जिसमें 300 जो वोटर हैं उन्होंने अपना वोट किया, मतलब 19 मत नहीं पड़े, तो इसी तरह पूरे भारत में देखेंगे तो लगभग 96% से ऊपर जो है वोटिंग हुई है। तो अब नया किंग कौन होगा, ये प्रतीक्षा प्रतीक्षा की घड़ी धीरे धीरे समीप आ रही है और ये इसका जो वोटिंग है वो दिल्ली में है। और दूसरी तरफ देखेंगे आरती की, ये राहुल गांधी जो है अभी भी अपनी जो पदयात्रा है वो अपनी पदयात्रा पे निकले हैं, लगभग ये 150 दिनों की यात्रा है और उन्होंने कर्नाटका बेल्लारी में जो है अपना मतों का प्रयोग किया है। तो एक कांग्रेस पार्टी के लिए आज का दिन बेहद खास होगा, बेहद ऐतिहासिक होगा, क्योंकि 24 वर्षों के बाद जो है गांधी परिवार से बाहर का कोई पॉलिटिकल व्यक्ति जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष होने जा रहा है। आरती, चलिए तो अब जब गिनती शुरू होगी उसके बाद नतीजे क्या आते हैं इसका थोड़ा इंतजार करना होगा। शुक्रिया अंजनी तमाम जानकारी के लिए आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।